गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with them. Action! अरे यार साइड पे। And cut. दर्शकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है। 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स और अब 2023 में 12th फेल। इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी प्रामाणिकता के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से इससे रिलेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस ब्लॉकबस्टर मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है। साथ ही जानेंगे इस फिल्म की प्रामाणिकता को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक किया और IPS ऑफिसर बने। इस मूवी की स्टोरी को राइटर अनुराग पाठक की लिखी हुई बुक 12th फेल से लिया गया है। विक्रांत मैसी ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता। उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु चोपड़ा, विक्रांत मैसी और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे। ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मूवी के सारे गांव वाले सीन शूट हुए थे। मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना अच्छा दिखता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वह हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था, लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी, वो जली हुई स्किन लग रही थी। ये वाला सीन जब मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर कि चिंता मत करियो अब पुलिस अफसर बनकर ही लौटना है, और ये वाला सीन जहाँ एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाता है, उस सीन में भी उनकी बोल्ड स्किन हमें क्लियरली दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर कर सकते थे, लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसको रहने देते हैं क्योंकि उसी सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे क्योंकि इस सीन में विक्रांत फेल हो चुके थे। विक्रांत भी उस बर्न स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे, इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे थे। अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइट कर सकते थे, पर उन्होंने उसको ऐसा ही रहने दिया जिससे सीन नेचुरल लगे। मध्य प्रदेश के रेहा गांव में शूट हुए सीन के ये रही कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप, जिनमें 12वीं क्लास पास होने के लिए मनोज पर्ची बना रहा होता है। देखिए कैमरा टीम ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था। ये जो चीटिंग वाला सीन है, इसे शूट करते वक्त डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल हैं, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनल जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे ये सीन शूट करा लिया था। कैमरेमैन नहीं देखा। एंड कट, वन मोर। कलाकारी दिखा रहे लेकिन कैमरे में नहीं देख। ए कैमरे में देखा। कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चलो अच्छा। And cut. I think we got it. Playback. सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसे तुम लोग। Excellent. Thank you. Very good job. ये जो सवारी थी उसे गांव वाले लोग जुगाड़ कहते हैं क्योंकि इसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि गांव के किसी बुद्धिमान आदमी ने कम सामान से जुगाड़ करके बनाया होता है। इन जुगाड़ू चीजों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका इनोवेशन।
घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने रियल में ये जुगाड़ चलाना सीखा था और तब जाके इसके कुछ सीन उसी एमपी के गांव में रेहा में शूट किए गए थे। जब मनोज अपने नए नवेले दोस्त पांडे के साथ आईपीएस बनने दिल्ली आता है तब वहाँ लगे हुए कोचिंग के सारे बैनर्स और पोस्टर्स देखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर की भीड़ को भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है ये सब के बावजूद बैनर लगे हुए हैं वो मूवी की प्रोडक्शन डिजाइन टीम की बनाए हुए हैं। इस टीम को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था जिसे यूपीएससी का हब भी कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इसके दूसरे पार्ट के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।